हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सेंसस टेबुलेटर, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो गाइज, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिना किसी देरी के चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसस टेबुलेटर की। तो 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलीरिथ ने एक ऐसा यंत्र बनाया, एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें पहली बार विद्युत का उपयोग किया गया। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि डिफरेंस इंजन में पहली बार ऊर्जा के रूप में भाप का यूज किया गया था, लेकिन से हरमन होलीरिथ ने सेंसस टेबुलेटर इंजन में पहली बार विद्युत का यूज किया। उसके बाद दो दोस्त जॉन एटनासॉफ और सिल्फार्ड बेरी ने एक ऐसा मशीन बनाया जो पूर्णतया विद्युत पर आधारित था। दोनों ने अपने नाम के आधार पर कंप्यूटर का नाम एबीसी यानी एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर रख दिया। अब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। 1975 में एमी हॉफ के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया, जिसकी वजह से आजकल माइक्रो कंप्यूटर बनाने का सपना भी सच हो गया। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।